जय गो माता। साथियों, पिताजी को ना कुछ दिन पहले कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने ऐसे ही बस नॉर्मली चेक करा लिया था, तो कोलेस्ट्रॉल उनका पहले काफ़ी ज़्यादा आया था। तो उनकी ये अब भी उनका 163 आया था जो पिछली बार रिपोर्ट हुई है। और ये मतलब आप देख सकते हैं, इसकी प्रूफ मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये हमारा 14/7/22 का ये टेस्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ था और ये ACE पैथोलॉजी लेबोरेटरी पलवल में है। और यहीं पे ही उन्होंने फिर ये कोलेस्ट्रॉल इनका 194 आया था जो काफ़ी पास में था 200 के। और ये ट्राइग्लिसराइड और HDL LDL VDL ये सब भी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है, आप यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पिताजी हैं हरी किशन जी और उनकी 14/7/22 को ये है। और उनकी अगली रिपोर्ट थी फिर 14/11/22 की, तो लगभग 4 महीने बाद ही उन्होंने पूरा, तो उसमें हीमोग्लोबिन RBC उन्होंने पूरा कई टेस्ट कराए थे। ये है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये यहाँ पे 203 आया था। और इसके बाद तो उन्हें ऐसे लगने लगा था कि अब तो कुछ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ना यही बोला था कि पिताजी आप आयुर्वेद के साथ ही ठीक करेंगे, तो आप दालचीनी ले लीजिए या फिर आप अर्जुन की छाल ले लीजिए। तो फिर पिताजी ने दालचीनी प्रयोग करनी शुरू की, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने यूट्यूब से भी सुना था। और ये 14/11 के बाद उन्होंने अभी लास्ट जो रिपोर्ट कराई है ये 7/4 को कराई है। तो अभी हमें समय मिला है, तो अब हम वीडियो बना रहे हैं इस पर। तो अब आप देखिए कि उनका रिपोर्ट जो है कोलेस्ट्रॉल की LDL VDL, और ये कोलेस्ट्रॉल 163 आया है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि 4 महीने ही लिया है, अभी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने लगभग यहाँ से भी काफ़ी दिन बाद शुरू किया था, तो उनको लगभग 2 महीने में ही और ये रिज़ल्ट आ गया होगा। और उन्होंने लिया कैसे था मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनवा देता हूँ, या मैं वीडियो में अब उनकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा तो शायद हो सकता है कि आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। इसलिए मैंने पिताजी से ही पूछा था कि आपने कैसे कैसे लिया था, और उनकी ये ऑडियो अब आप सुनेंगे। अब आपकी जो तीन रिपोर्ट हुई है, हाँ, तो तीन रिपोर्ट में से जो सबसे पहले आपने करवाई थी 2022 में 7 महीना में, वहां के बाद आपने फिर कुछ दवाई गोली लेनी चालू करी ना करी, और फिर जो आपने 11 महीना में करवाई है, बाकी बाद आपने दवाई दी दुकान बंद कर दो, दालचीनी भी दूध में जो वक्त में खाई दो ना। अच्छा, और दालचीनी केवल दालचीनी लीजिए आपने, दालचीनी पे सुधार हो गया। दालचीनी कैसे कैसे नहीं दूध में उबाल कर सुबह शाम, हाँ सुबह शाम, और कितना ना तो यार पाउडर बना के क्या चम्मच दे रहे दूध में आधी चम्मच। तो इस प्रकार साथियों आप देखिए कि ये कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया उनका, और बिल्कुल आसानी से। उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, केवल वो घूमने जाते हैं, जो खाना पीना हम आयुर्वेद के हिसाब से बताते हैं उन्होंने केवल यही किया था। तो मैं तो आपको कहूँगा कि अब एलोपैथी में ये स्टेटिन वगैरह की जो गोली देते हैं ये, और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को फिर नहीं आ जाती हैं, एक को ख़त्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, मसल्स में पेन होता है वो डैमेज हो जाती है, लीवर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इनकी वजह से, ब्लड शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी बढ़ने लग जाती है, न्यूरोलॉजी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो भाई इससे अच्छा तो आप ये दालचीनी वगैरह अर्जुन छाल का आप ये ले लीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। देखिए पूरे देश में आपको दालचीनी कहीं भी मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर हमारे पास ये रहती है, तो हमने उनको ये दी थी, और ये हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। साथियों, ये दालचीनी की सबसे शुद्धतम गुणवत्ता मानी जाती है, इसे श्रीलंका दालचीनी भी कहते हैं। ये बहुत पतली होती है और बहुत सुगंधित होती है, और ये हम प्योर फॉर्म में बिल्कुल इस तरह से पैकेजिंग करके आपके पास भेज देते हैं। इसी प्रकार के प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे हैं, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता हर एक औषधि की हम देने का। ये दालचीनी है और ये हमारी साइट पे अर्जुन छाल है, तो अर्जुन छाल की वीडियो भी हमने डाल रखी है यहाँ पे। इतनी जो मोटी अर्जुन की छाल ये बाजार में जो मिलती है 200 रुपए किलो, ये इतनी मोटी है, और ये आप देख रहे होंगे ये होती है असली अर्जुन छाल, जो इतनी पतली होती है ये अर्जुन का पेट अपने आप छोड़ता है। तो इस मोटी वाली को लेने से जो अभी तक आप ले रहे होंगे इसे कोई फायदा नहीं है, ये आपको ना के बराबर फायदा करती है जो। तो साथियों ये ना चुनाव आपका ही है, जीवन आपका है, शरीर आपका है, परिवार आपका है, तो समझदारी से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं इस चीज़ से। तो आप ना इसका हो सकता है कि आपको कुछ दिन बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन क्या होगा कि आप जिस समस्या के लिए
दवाई ले रहे हैं ना, वो समस्या ही खत्म होगी। ये कम से कम फायदा भी नहीं करेंगी, तो आपको और ज़्यादा नई बीमारी तो कम से कम नहीं आएगी। अब एलोपैथी की तरह आपने एक प्रॉब्लम को वो दवा देती है, ख़त्म तो कभी होती नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये ज़िंदगी भर एलोपैथी की दवाई खाते रहते हैं। तो भाई आप वहाँ जाने से पहले 1-2 महीने इनको ट्रायल कर लो तो क्या प्रॉब्लम है। तो हम तो यही कहेंगे आपसे, और आपको अगर हमारी वेबसाइट से भी लेने हैं तो आप स्वागतम कोड करके आपको 5% ऑफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्राकृतिक तरीके से ही बहुत अच्छी शुद्धता के साथ आपको दिए जाते हैं, तो आप इनमें से भी जो चाहें आप ट्राई कर सकते हैं, आपके जीवन में काफ़ी काम आएंगे। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।